मध्य प्रदेश शासन के मंत्री कमलेश्वर पटेल और लखन घनघोरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, आइए सुनते हैं। ज्वलंत प्रश्न है कि जो स्वेच्छा अनुदान की राशि रीवा के विकास के लिए लगना थी उसको आरएसएस के निर्देशन पर आरएसएस द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिरों को दी गई। अगर ये राशि दीगर स्कूलों को दी जाती जिसमें शासकीय स्कूलों की जर्जर हालत थी, उनके निर्माण से लेके उनके रखरखाव से लेके बच्चों के डेस्क से लेके उनके अध्ययन के समग्र संसाधन के लिए दी जाती तो शायद अच्छा होता। लेकिन ये ऐसा इसलिए नहीं कर पाए माननीय सांसद महोदय कि आरएसएस के लोगों का दबाव था जो सांसद टाल नहीं सकते थे और भारी भरकम राशि सरस्वती शिशु मंदिर को स्वेच्छा अनुदान के नाम पे दी गई, जबकि स्वेच्छा अनुदान की सीमाएं तय है। स्वेच्छा अनुदान का मतलब ये नहीं कि आप स्वेच्छा से कहीं भी कुछ भी दे दें। वास्तव में जिन संस्थाओं को आवश्यकता है उन संस्थाओं को देने की जरूरत होती है। यहाँ इनने अपने सांसदी पद का दुरुपयोग किया। दूसरा, गौ अभ्यारण्य बनाने पर बसावन मामा लक्ष्मणबाग रीवा में जिस तरह की राशि की बंदरबाट हुई और शिकायत आई, आने वाले दिनों में ये जो गंभीर गबन हुआ है इसकी फूल खुलेगी। गोवंश रक्षा के नाम पर भी पैसा डकारने की कोशिशें हुई हैं, यहाँ पर सांसद निधि का दुरुपयोग हुआ। तीसरा, सामाजिक न्याय की बात करने वाले माननीय जनार्दन मिश्रा जी, इनके गांव हिमोता मोहरवा में 482 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। लोग इनके पास पहुंचते रहे लेकिन इनके पास समय नहीं था। अब इनकी व्यवस्था हमारा विभाग कर रहा है, ये हमारे विभाग से संबंधित है सामाजिक न्याय, जो अति महत्वपूर्ण है और जो शायद माननीय मोदी जी जिसका नारा लगाते हैं कि काला धन पे हमने कंट्रोल किया, तो ये सवाल जनार्दन मिश्रा जी के साथ माननीय मोदी जी से भी है कि जनार्दन मिश्रा जी ने अपने हलफनामे में 2013, 2014, 2017, 2018 तक अपने खाते में राशि दर्शाई है। ये पैरा क्रमांक 4 में 13,43,189 रुपये अंकित है और ये हम आपको देंगे दस्तावेज। 13,43,189 रुपये अंकित है जबकि इनके इनने अपने हलफनामे में पैरा क्रमांक 7 में अपने पुत्र अंकुर मिश्रा को और तथागत मिश्रा को 23,85,000 रुपया ऋण लोन दिया है, जब इनके खाते में 18 तक कुल 13,43,189 रुपये थे। फिर इन्हें कैसे 23,85,000 रुपये लोन दे दिया, ये पैसा कहाँ से आया, क्या ये काला धन था?